किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला कुछ बन गया। बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, पार्टियों का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है, जनता का होता है, तब जाके आदमी यहाँ पहुंचता है। स्वनियंत्रण जो होता है वो इंसान की अपनी उपलब्धि होती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब ना समझता तब का तो मैं जानता नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने समझदार होने के बाद आज तक मेरे मुंह से माँ बहन की गाली कभी एक सिंगल बार भी नहीं निकाली है, ये मेरी उपलब्धि निश्चित रूप से। वो हम खुद के लिए भी, खुद के लिए उन्होंने आज आपको कहा, लेकिन तो हमारे लिए भी कहते हैं, जो हम जूनियर हैं उनसे, उनके लिए भी कहते हैं, क्या चाहे वो प्रताप सिंह जी हो, रघु शर्मा जी हो, मैं हूं, दूसरे लोग हों, उनके लिए भी कहते हैं, भाई तुम्हारी स्थिति में आने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, वो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। वो सबको समान रूप से देखते हैं, सबको समान रूप से मौका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसको क्या मिलता है ये फिर मुकद्दर की भी बात है। गलत होनी नहीं चाहिए, अप्रोच गलत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो देखो, मैंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैंने तो 1990 के बाद में आज तक पार्टी से कुछ मांगा नहीं, ना टिकट मांगा, ना मंत्री पद मांगा, बल्कि पार्टी को ये कहा भाई मेरे से बेहतर कोई तो उसको आप मौका दे दीजिए, लेकिन पार्टी ने मेरे को देने में भी कमी नहीं पाई। जो कुछ है मेरे पास वो पार्टी का दिया हुआ, जो कुछ है नेता का दिया हुआ मेरे को, मैं तो बहुत बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँ, संतुष्ट आदमी हूँ। आगे जो मिल जाए भगवान की कृपा, नहीं मिले भगवान का प्रसाद है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई मैं तो किसी से असहमति जता ही नहीं रहा, हम सब लोग तो कांग्रेस के लोग हैं जिन जिनका आपने नाम लिया, नहीं तो असहमति तो वो होती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मंत्री थप्पड़ मार देते हैं अधिकारियों के, वैसी असहमति तो कांग्रेस में नहीं है। कम से कम एक से अधिक मामले हैं, हमारा तो आपसी बातचीत की बात हो रही है, असहमति व्यक्त करने का अधिकार है मेरे से। अगर कोई व्यक्ति असहमत है उसको अधिकार है मेरे से असहमति व्यक्त कर सके। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ असहमति हम भी व्यक्त करें, और दूसरा अगर हमारी बात से असहमत हो तो उसको भी सुने। आप मेरे से अगर असहमत हो तो मुझे सुनना चाहिए, और मैं अगर आपसे असहमत हो तो आपको भी सुनना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबी है, और लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको होता है और इसका सम्मान करना चाहिए। गुजरात हिमाचल की बात करूंगा तो आप ये कहोगे यार यहाँ के तो सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे, मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ। आप फोटो स्टेट दिखा रहे हो, फिर यहाँ भी आप मंत्री की टकराव हो रही है। मेरी कोई टकराव नहीं है किसी से, आपका संवाद हुआ है, मेरा तो कोई टकराव नहीं है किसी से। मैंने किसी को कमजोर कहा, ना किसी को ताकतवर कहा, ना किसी को बुरा कहा, ना किसी को अच्छा कहा, मेरे सारे अच्छे हैं, टकराव नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेरे बारे में कहा गया तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर। श्री राम का नाम लेके जो खौफ पैदा करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ना 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 यार, मैं तो विधान मुख्यमंत्री ने आपको कहा ना विधानसभा में था। लाल सिंह जी, मैंने तो आपको पूरी बात कही है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कहा था। तो हम क्लियर हो गए, हम कोई भी बात ऐसी करें जिससे सौहार्द पैदा हो बजाय इसके खौफ पैदा हो। यार नहीं तो अच्छी बात है, वो झूठ क्यों बोलेंगे, ये कोई झूठ बोलने की बात थोड़ी है। वो तो हमारे साथी हैं, वो तो जैसे मुख्यमंत्री जी श्रीराम कहते हैं वैसे वो भी श्रीराम कहते हैं, हम भी वैसे ही कहते हैं। सर उनके बोलने से आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी यार। नहीं मेरे को इसलिए करनी पड़ी कि यार मेरे को कोई ये नहीं कह दे यार आप गुलाम हो, बाद में पूछे मैं सबको बता दूं।